नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिफैक्ट में। दोस्तों, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। फ्रेंड, मेरा नाम है ओमी और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं अपना लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा इस सिरप का। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ में एक सिरप की बोतल पकड़ रखी है। आज मैं आपको इसी सिरप का रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले इस सिरप का नाम बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सिरप को आप किसको दे सकते हैं, यानी कि ये खासतौर से किसके लिए बनाई गई है, मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सिरप को आप किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सिरप को यदि आप मार्केट में ले जाते हैं तो कितने रुपये पड़ेगा, यानी इस सिरप का मैं आपको मार्केट प्राइस बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सिरप को यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सिरप को आपको कब लेना है, कब नहीं लेना है, लेने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है, अगर प्रिकॉशंस बरतने हैं, आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आपको इस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज हम जिस सिरप के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है न्यू कॉपडेक्स पी। देख सकते हैं जहां मेरा अंगूठा रखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है न्यू कॉपडेक्स पी। तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें इस न्यू कॉपडेक्स पी सिरप में क्या बेसिक सॉल्ट के रूप में मिल जाता है। तो यहां देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है RX, उसके आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है डेक्सोमेथोरफेन, हाइड्रोब्रोमाइड, ब्रोमेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड फिनिलफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। तो उसमें हमें, यानी कि कॉपडेक्स पी सिरप में हमें ये बेसिक सॉल्ट के रूप में मिल जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इस कॉपडेक्स पी सिरप के यूजेज के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जो ये कॉपडेक्स पी है खास तौर से बच्चों के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है फॉर पेडेट्रिक यूज, यानी कि बाल चिकित्सा के लिए ही ये बनाया गया है खास तौर से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला फॉर कफ एंड कोल्ड, यानी कि इसको आप अपने बच्चे को, यदि अगर आपके बच्चे को सूखी खांसी वगैरह आ रही है, खांसी आ रही है नॉर्मली, तो उसमें आप इस सिरप को दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभकारी है ये किसी भी प्रकार की खांसी को खत्म करने में। जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्तों कोल्ड यानी कि सर्दी वगैरह अगर आपके बच्चे को लग गई है तो उसमें भी आप इसे दे सकते हैं अपने बच्चे को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभकारी है ये। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस न्यू कॉपडेक्स पी सिरप के पैकिंग के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की प्लास्टिक की बोतल में आती है। जी हाँ दोस्तों, जो ये ब्राउन कलर की प्लास्टिक होती है जिसका ढक्कन जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। देख सकते हैं यहाँ पर सिप्ला लिखा हुआ है और देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं इसमें आपको सिरप दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इसमें पर्ची चिपकी चिपकी हुई होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस कॉपडेक्स पी सिरप के क्वांटिटी के बारे में और प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी जो है वो 60 ml है, यानी कि इस बोतल जो मैंने अपनी पकड़ रखी है अपने हाथ में, इसमें आपको 60 ml मिलता है ये कॉपडेक्स पी सिरप। जी हाँ, और कितने रुपये मिल जाता है चलिए अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले अपने कैमरे को हम थोड़ा पास ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है MRP रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, यानी सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 60 ml आपको ये कॉपडेक्स पी 47 रुपये की मिलेगी मार्केट में। देख सकते हैं उसका दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट की। तो ये मैन्युफैक्चर जो है इसका वो मार्च 2018 बनाया गया, एक्सपायरी जो है इसकी फरवरी 2020, यानी इसमें आपको 2 साल मिलते हैं। 2 साल इसको आप आराम से रख करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बीच ना ही ये एक्सपायर होगी ना ही ये ख़राब होगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएँ तो सबसे पहले उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, इससे आपका ही बेनिफिट होगा, आपका ही लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाले इंग्रीडियंट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटा लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेंट्स। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है। मैं थोड़ा और पास ले आता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आप इसके इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है डेक्सोमेथोरफेन हाइड्रोक्लोराइड IP 5 mg है। और यहाँ पर जो जो मैंने अभी आपको यहाँ पर इसका बेसिक सॉल्ट मिला है वहीं इसके यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। जी हाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है
मिथॉल फ्लेवर्ड सिरप है बेस यहाँ दोस्तों उसका। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर कुछ चीज़ों की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें आपको सिरप का कलर मिलता है वो है ब्रिलियंट ब्लू FCF एंड टार्टिजाइन, यानी कि इसमें आपको ब्रिलियंट ब्लू मिल जाता है और टार्टिजाइन कलर इसका मिल जाता है। इसका देख सकते हैं शेड्यूल एच ड्रग दे रखी, वार्निंग है टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डोजेज, यानी कि आपको किस प्रकार से इसे देना है। अपने बच्चे को यहाँ दे रखा है, देख सकते हैं लिखा हुआ है चिल्ड्रन, यानी कि 2 से 6 साल का बच्चा है उसे आपको 1/2 टी स्पून फुल देनी है, यानी कि आधा चम्मच आपको इसे देनी है फुल। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यानी कि 2.5 ml, यानी कि 2.5 ml आपको देना है 3 से 4 times a day, यानी कि आपको एक दिन में 3 से 4 बार इसे देनी है। जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगर 6 से 12 साल का बच्चा है आपका तो आधा चम्मच एक देख सकते हैं 1 teaspoonful, यानी कि 2.5 ml देना है आपको, 2.5 से 5 ml 3 से 4 times a day और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोजेज लिखा है, यहाँ पर आप इसको देख करके यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा जो है वो 6 महीने का है या अगर 6 महीने के अंदर में साल भर से अंदर में है तो उसको आप केवल 10 बूंदे दे सकते हैं, यानी कि ड्रॉपर में आपको ले लेना है इस सिरप को और 10 बूंदे आप केवल दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह लें, संपर्क कर लें, उसके बाद दें तो आपके लिए आपके बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर होगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके मैन्युफैक्चर्ड की। यहाँ देख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय जो उसको बनाती है उसका नाम है, बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, शिवालिक रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड इसको यहाँ पर बनाती है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं लिखा हुआ है, और जो इसको बेचती है वो है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ मार्केटेड बाय सिप्ला लिमिटेड, जो इसको बेचती है वो सिप्ला लिमिटेड है। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कॉफडेक्स है ये खास तौर से बच्चों के लिए है, देख सकते हैं लिखा हुआ फॉर पेडियाट्रिक यूज, यानी कि ये बाल चिकित्सक के लिए है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाभकारी है ये कॉफडेक्स भी बच्चे की खांसी वगैरह को दूर करने में। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इससे होने वाले सिम्टम्स के बारे में, यानी कि साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इसका ओवर डोज नहीं करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के, यानी आपके बच्चे को किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। यदि अगर आप ओवर डोज करते हैं तो आपको क्या साइड इफेक्ट सिम्टम देखने मिल सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट सिम्टम है वो है स्किन रैसेज, यानी कि अगर आपके बच्चे के किसी भी प्रकार का स्किन से रिलेटेड कोई भी इरिटेशन है कि स्किन रैसेज, या अगर मान लीजिए आपके रेडनेस वगैरह अगर आपके बच्चे के त्वचा पर दिखती है तो तुरंत समझ जाएं कि आपके बच्चे को ये कॉफडेक्स भी साइड इफेक्ट गई है, तो तुरंत इसको देना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्तों नौजिया, यानी कि अगर आपके बच्चे को आपने दिया है अगर उसको जिम चला रहा है या उसको बार बार उल्टियां आ रही हैं, अगर आपको आभास हो जाता है कि इसको मतलब कि उल्टियां आ रही हैं, उल्टे ऐसा लग रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपको कॉफडेक्स भी आपके बच्चे को साइड इफेक्ट कर गई है, तो इसे देना बंद करें, तुरंत डॉक्टर से लाएं, संपर्क करें। उसका दोस्तों अगर आपके बच्चे की वॉमिटिंग, यानी कि अगर आपका बच्चा छोटा है अगर वो उसको दूध पिला रही हैं या अगर खाना वाना खिला रही हैं खाना वगैरह उस समय वो उल्टी कर दे रहा है तुरंत, तो उसको समझ जाएं कि आपके बच्चे को एक कॉफडेक्स भी जो है साइड इफेक्ट करके, तुरंत इसको देना बंद करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह संपर्क करें। और उसका दोस्तों अगर आपके बच्चे को डायरिया की बीमारी हो जा रही है इस सिरप को पिलाने के बाद, तो भी आप समझ जाएं कि आपके बच्चे को एक कॉफडेक्स भी सिरप जो है ये साइड इफेक्ट कर गई है, तो तुरंत इसको देना बंद करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताए हैं वो सभी इस कॉफडेक्स पी सिरप के साइड इफेक्ट के सिम्टम हैं। आपको अगर इनमें किसी प्रकार का सिम्टम देखने को मिलता है तो तुरंत अपने बच्चे को अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके सावधानियों के बारे में, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहली जो सावधानी है वो ये है कि शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि इस सिरप को आप जितने बार भी पिलाने चलेंगे अपने बच्चे को उससे पहले आपको इसे कायदे से शेक कर लेना है, यानी कि हिला लेना है जिससे इसका फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाए। उसका दोस्तों अगर आप किसी प्रकार का दूसरा सिरप अगर अपने बच्चे को पिला रहे हैं, वो चाहे किसी का किसी बीमारी का सिरप हो अगर वो पिला रहे हैं, तो उस समय आप इसे नहीं पिला सकते हैं। और यदि आप पिलाना चाहते हैं इस सिरप को तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, संपर्क करेंगे, उसके बाद ही इसको पिलाना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्तों अगर आप इसका ओवर डोज बिल्कुल भी ना करिए, इसका ओवर डोज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका डोज, तो आप अपने डॉक्टर से जा करके इस सिरप का डोज एडजस्टमेंट जान लें, उसके बाद ही आप अपने बच्चों को पिलाएं। जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्तों जिस ड्रॉपर से आप पिलाएंगे, जी हाँ दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जिस ड्रॉपर से भी आप अपने बच्चे को इस सिरप को पिलाएंगे उसको आप जितने बार पिलाने चाहें उससे पहले आपको उसे जल अच्छे से धो लेना है, या हो सके तो आप उसे उबाल लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका दोस्तों अगर
आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से दूर बचाए रखना है इसको। जी हाँ दोस्तों, उनकी पहुंच से दूर रखना है आपको इस सिरप को। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी इस कॉफडेक्स पी के बारे में, सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो इस कॉफडेक्स पी सिरप को लेकर के, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ अपना कमेंट लिख के छोड़ दें, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।